5 से 7 मिनट में ये हो गया है, रेडी हो गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये दाल पालक एक बार आप खा लोगे ना, बहुत ज्यादा दाल पालक रेसिपी यू विल मेक। सब लोग बनाओ, बड़ा मजा आएगा। दाल पालक ऐसे बनाओगे, यू विल लव इट, है ना? एक्चुअली यू विल लव इट। Hi guys, Sanvit this side from Cooking Paji with Mamma. Hello everyone. आज हम लोग क्या स्पेशल बना रहे हैं? आज हम स्पेशल बना रहे हैं दाल पालक, but winter special. Winter special और different style. एकदम अलग स्टाइल में ऐसी दाल पालक आपको यूजुअली ना रेस्टोरेंट्स में ना ढाबों पे कहीं पे देखने को नहीं मिलती। तो वीडियो एंड तक देखना और दिल से बनाओ और सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग? हम सबसे पहले दाल चढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें दाल कौन सी डलती है? दाल डलती है मूंगी साबुत की, ग्रीन कलर की। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो तो। तो ये है ग्रीन मूंग साबुत दाल, ग्रीन कलर की। इसको मैंने बस 5-7 मिनट भिगोया। वैसे कितनी दाल ली है? ये मैंने एक कटोरी ली है, इसमें 5 times पानी डाला है। ठीक है, पानी अगर ज्यादा भी डल जाए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कम नहीं होना चाहिए। और कितनी सीटी देनी है इसको? मैं बताती हूँ, कम नहीं पानी होना चाहिए, पानी ज्यादा हो जाए ठीक है। और इसमें सिर्फ नमक डालना और थोड़ा सा ऑयल या देसी घी थोड़ा सा डाल दो, दैट्स इट। और इसको 10 मिनट स्वाद अनुसार। हाँ, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये देसी घी किसलिए डालते हैं? इसलिए कि वो बाहर नहीं आता ना। अच्छा, वो कैसे भी कर लो। हाँ, कैसे वो, और देसी घी से थोड़ा फ्लेवर अच्छा एनहांस हो जाता है। और उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डाला आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच। अब इसको हम मिसल देंगे। दाल भिगोगे ना तो वो खिली खिली बनती है, तो अच्छी बनती है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। विसल इसको कितना देना है? इसको हमने 10 मिनट्स देना है। 10 मिनट्स टाइमर स्टार्ट कर दें। अलेक्सा, सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स। सेट फॉर 10 मिनट्स। अब ये पालक होगी। इन द मीनवाइल हमने 1 किलो पालक ली है। पानी हमने पहले ही बॉयल होने रख दिया है, अभी हो रहा है बॉयल। बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये तो 1 किलो पालक लिया। अच्छा, मैं पालक ना ये स्टेम्स के साथ ही लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी स्टेम्स रिमूव करती हूँ बाकी, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी होती है। 3 प्याज मीडियम साइज के लिए, जितने भी लेने ले लो, 6 to 7 ये गार्लिक क्लव्स और थोड़ा सा जिंजर अकॉर्डिंग टेस्ट, जितना भी लिया है। हरी मिर्च डालनी है, आप डाल सकते हो। हाँ, मैंने नहीं डाली है, आपने डालनी है डाल सकते हो, टेस्ट अच्छा आता है। बाकी ये मसाले हैं, ये सब तड़के में जाएगा। नमक, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और देसी घी लिया है। ठीक है, बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें अपनी पालक डालेंगे, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पालक डालेंगे। ये क्यों डालते हैं पानी में? ये सॉफ्ट करनी है ना, इसका प्यूरे बनाना है ना हमने। अच्छा, तो पालक को पका रहे हैं? पका रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं, बस एक। अब इसमें डालने के बाद एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद 2 मिनट के बाद बंद कर देनी है। डाला, एक उबाला आ गया और 2 मिनट बाद बंद कर देनी। कुकर की फर्स्ट विसल हो गई है, अब इसको मीडियम पे कर दो और इसको 10 मिनट्स दे दो। अब 10 मिनट्स? हाँ, विसल के हमेशा बाद। कैंसिल टाइमर। चलो अब ये चेक करते हैं हम अपना। हाँ, बस बॉयल हो गया, इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए देना है और इमीडिएटली हमें बंद कर देना है। और इसको मैंने ठंडा पानी पहले ही मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ये ठंडा पानी है, और इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे ये, क्योंकि इसकी कुकिंग हमें अब स्टॉप करनी है, हमें और नहीं चाहिए। ये छन्नी से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। हाँ, सारे छन्नी से। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, या आप कोलेंडर पे भी डाल के कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो वो। हाँ, भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, ये एक चीज मैं बताना भूल गई थी, टमाटर लिए हैं, या तो 3 मीडियम ले लो, मैंने 2 बड़े लिए हैं। अब इसको आप प्योरे बना लो, खुशबू आई है ना, मतलब तेल हमने इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 tablespoon डाला है। ये और भी किसी तेल में बना सकते हैं? हाँ, किसी में भी बना लो, रिफाइंड ऑयल में बना लो, और किसी में, या देसी घी में भी बना लो, पर हम देसी घी लास्ट में भी डालते हैं, तो इसलिए सरसों के तेल में ना उसका थोड़ा शार्प फ्लेवर होता है, उससे बड़ा इसका
टेस्ट बड़ा एनहेंस हो जाता है डिश का। ये डिफरेंट वेज में बनती है, जैसे हम तो मूंग साबुत की दाल से बनाते हैं, ग्रीन वाली से। ऐसे कईयों के घरों में दाल येलो वाली चने की दाल ले लेते हैं, उसमें बारीक बारीक वो पालक डाल के वैसे बना लेते हैं। कई मूंग धुली दाल ले लेते हैं, उसमें बनाते हैं। ऐसे भी बनाते हैं जैसे चने की दाल, लौकी वाली चने की दाल होती है। हाँ, उसी टाइप से कोई काट के बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे चंक्स करके। हम लोग ये हम बहुत सालों से ऐसे बनाते हैं। और ये मेरी फेवरेट विंटर डिश है। हाँ, विंटर डिश ये। मैं इसकी टेस्टिंग मैं नहीं करूंगा, मेरा बायस है, मम्मा करेगी इसकी टेस्टिंग। अब इसमें डालेंगे अपने प्याज। अब ये होने वाला है, हमें इसे ट्रांसलूसेंट नहीं करना, थोड़ा ब्राउनिश शेड में रखना है इसको। इन द मीन वाइल कुकर की भी हम वेट कर रहे हैं कि ठंडा हो जाए। अभी बस होने वाला है कुकर भी। नहीं, ये कभी नहीं करते होते, ये बहुत गलत बात है जो तुमने करी है, ऐसे कभी नहीं करते। चलो, अभी हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया स्टार्ट। अब गैस धीरे करके अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून गरम मसाला, या जो भी आप मसाला यूज़ करते हो, मैं पाव भाजी मसाला यूज़ करती हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, इस कड़वी नहीं होती है ये, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। नमक डालते हुए इसमें हमें केयरफुल होना है, क्योंकि जब हमने दाल बॉईल की थी हमने उसमें भी नमक डाला हुआ है, तो इसमें भी 1/2 टीस्पून ही डाल रही हूँ ऑलमोस्ट। मतलब दाल में दाल का नमक हो गया, ये पालक और तड़के का नमक। हाँ, तो ये अगर आपको कम लगे तो बाद में डाल देना, क्योंकि ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। बस अब इसमें हमने ज्यादा कम नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकता है एक्चुअली। नहीं, वो भी फिर तरीके हैं, पर हमने वो क्यों करना, हम वो सब क्यों करें, वो भी टिप्स होते हैं, बट हम पहले ही अपने केयरफुली चले तो ज्यादा ठीक है। अब ये हमने टमाटर 2 बड़े लिए हैं, 3 छोटे भी ले सकते हो, प्योरी भी ले सकते हो, हमने यहाँ फ्रेश टमाटर लिए हैं। बस अब इसको अच्छी तरह से भूनना है, और टमाटर जब तक तेल छोड़ दे तब तक पकाना है। हाँ, और उसके बाद फिर कोई भी ग्रेवी की प्योरी डाल दो, फिर दाल नहीं, डाल नहीं, दो। नहीं, पहले दाल डालेगी। हाँ, अभी इसमें फिर आपको वेट करनी, जब तक तेल ना छोड़े जल्दी नहीं करनी है। ये तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही राजमा की ग्रेवी बनती है, ऐसे ही बहुत सारी और ग्रेवी बनती है। हाँ एक्चुअली, बट दाल पालक ये यूनिक है इसको, अगर जब बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर पालक पनीर और पालक की और डिशेस, कॉर्न पालक, मशरूम पालक, उन सबसे डिफरेंट हो जाएगी ये, इसका टेस्ट अलग होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बेस ग्रेवी। हाँ, बेस ग्रेवी तो ऑलमोस्ट वही होती है, बेस ग्रेवी की। पर इसमें हमने खड़े मसाले नहीं डाले। हाँ, जैसे राजमा में हमें थोड़ा सा डालने पड़ते हैं, थोड़ा चेंज होता है चने में। हाँ, तभी फिर टेस्ट का चेंज आता है। तो इसमें खड़े मसालों की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ होती है कि जो भी आप डिश बना रहे हो, जिसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वही डालो, अननेसेसरी ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ही आप खड़े मसाले डालते जाओ, जिसमें ज़रूरत है वही डालो। तेल थोड़ा सा आना शुरू हो गया, अब तेल भी हम लोगों ने कम ही डाला था, तो फिर पूरा ऐसे बाहर से छोड़ेगा नहीं हुआ। देखो, अगर ये कड़छी भर के डालते तो वो पूरा उतना ही छोड़ता। हाँ, तो अभी थोड़ा इसमें क्या है कि वो बस पैन छोड़ना शुरू कर देगा। हाँ, अभी थोड़ा वेट करते हैं। चलो, दाल का स्टेटस चेक करते हैं। ये देखो दाल हमारी। अच्छा, दाल में आपने पानी मेजर करके डाला था? मेजर करके डाला, मतलब आप ये कि कम नहीं होना चाहिए, मैंने तो मतलब बताने के लिए ना, देखो थोड़ा थोड़ा पानी भी नीचे नहीं लगी ना बिल्कुल। हाँ, और ज्यादा भी नहीं पानी चाहिए कि बिल्कुल ही गीली दाल ना बने। तो आपने जो मेजरमेंट, जो भी कटोरी ली है, 1 कटोरी दाल ले लो, 5 कटोरी पानी डाल दो। और इसको ऐसे ही छोड़ना है, इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये अपने आप हो जाएगी मैश। इतनी सॉफ्ट है। हाँ, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े इसमें वो चाहिए भी दाने, दाना भी चाहिए, दानेदार। नॉर्मली वैसे जब ये वाली दाल बनाते हैं तो इसको 15 मिनट्स देते हैं मूंग साबुत की दाल को, पर इसमें मैंने 10 मिनट ही दिए। चलो, अभी हमारा मसाला पक गया है, इसने तेल छोड़ना शुरू, क्योंकि हमने तेल ही कम डाला था, ये देखो साइडों से छोड़ना शुरू कर दिए। अब दाल डाल दूं मैं? अब परफेक्ट, अब इसमें दाल डलेगी। डालो धीरे 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 धीरे, गर्म छिटाना लग जाए। चलो बस, दाल डालने के बाद गैस हाई कर दो और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर दो, ताकि दाल और तड़का रच जाए। आप और पालक सबसे एंड में डालना है? हाँ, नहीं डाल रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं, पालक डालने के बाद भी चलाना है। अब हम अपने पालक की प्योरी डाल रहे हैं। लो जी, दाल पालक में दाल भी डल गई और पालक भी डल गई।
अच्छा, गैस अब धीरे रखनी है क्योंकि जब पालक डालेंगे तो ये बाहर को इसके गिरेंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो और फिर इसको धीमे लो टू मीडियम के बीच में चलाएंगे। इसको 5 to 7 minutes बस चलानी है और हमारी दाल पालक रेडी टू। और इसका जो दाल पालक का कलर है ना, इसका कलर आपका आएगा कौन सा कलर? ब्राउनिश सा हो जाएगा हाँ। थोड़ा, क्योंकि ये अगर सिर्फ पालक होती तो ग्रीन कलर होता हाँ। ये देखो कलर, लेकिन ऑलिव ग्रीन क्या हो गया इसको? नहीं, ग्रास ग्रीन बोल सकते हो, व्हाटएवर इट इज। पर मतलब इसका कलर जो आपका पालक पनीर जैसा नहीं रहेगा। हाँ, वो नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसमें हमने दाल डाली है तो दाल का कलर भी तो आएगा ना। ये देखो दाल का कलर अब आ रहा है, वही बता रहा हूँ, कोई सोचे कि मेरा कलर ऐसा क्यों है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो पहले बिल्कुल ग्रीन कलर था, अब जैसे जैसे दाल मिल रही है इसका हाँ, कलर चेंज हो जाएगा पूरा, बिल्कुल कैमरा भी हाँ, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत खिली खिली बनेगी, एकदम अलग डिश है, कोई भी ट्राई करेगा मजा आएगा, जिसको भी खिलाओगे बोलेगा क्या बढ़िया चीज खिलाई हाँ, और सबसे एंड में इस पे देसी घी डलेगा। और ये पालक की सब डिशेस से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। बस अब ये मिक्स कर लिया है, अब इसको 5 मिनट लो टू मीडियम में रखो, बस इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है हाँ। लेकिन अगर बाय चांस, ये भी बता देती हूँ, अगर आपका दाल में अगर पानी ज्यादा था तो आप इसको थोड़ा ड्राई करोगे। अब हम इसे कवर करेंगे, अगर अभी आपने हाई कर दिया तो वो सारा बाहर गिरेगा। अब ये आपको उतना पकाना है कि आपकी थोड़ी ये मतलब थिक हो जाए, कंसिस्टेंसी थिक जाए हाँ। अब इस पे डिपेंड करता है आपके दाल में वाटर कंटेंट कितना था, उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगा है। मेरे को तो इसको 5 से 7 मिनट में ये हो गया है, रेडी हो गया। ट्रस्ट मी गाइस, ये दाल पालक एक बार आप खा लोगे ना, बहुत ज्यादा दाल पालक रेसिपी यू विल मेक। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करना है और वाटरी भी नहीं रहना चाहिए, सो दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। सो डिलीशियस। अब इसमें हम डालेंगे घी, एक चम्मच पूरे इसमें, 1 किलो में 1 चम्मच जाएगा, और सर्व करते हुए थोड़ा सा डाल लो। सर्व करते लेकिन 2 चम्मच कटोरी में डाल लो, नहीं 2 चम्मच तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब 1.5 चम्मच डाल लो, बस ज्यादा नहीं डालना। क्या बोलते हैं वो, देसी घी की कहावत क्या है वो, जो ना करे माँ ना प्यो ओ करे देसी क्यों। खैर मुझे भी पूरी नहीं आती, जो ये हमारे पंजाबी डीजी फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं प्लीज मेरे को करेक्ट कर दो अगर मैंने गलत बोला। यही होता है हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ और देसी घी डाल लो। नहीं, देसी घी ठीक है, मतलब इतना अच्छा लगेगा देसी घी से, डालते ही खुशबू आने लग पड़ी है देसी घी की। अब अपनी गैस बंद करते हैं गैस। मेरा तो बायस है इसमें, आप टेस्ट करके बताओ। मैं तो कैसे तुम कर लो ना टेस्ट। नहीं, आप टेस्ट करो भाई, मैं तो इसको 10 में से 100 नंबर दूंगा, इतनी पसंद है मुझे। नहीं, पसंद तो मुझे भी बहुत है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है दाल पालक। गरम है थोड़ा सा, मेरे को तो ऑनेस्टली ये सर्दियों में साग से भी ज्यादा पसंद है, इतनी पसंद है मुझे। टेस्टी बनी है, परफेक्ट, वेरी नाइस। नमक हमने बिल्कुल ठीक डाला है, थोड़ा सा ज्यादा नमक हो जाता फिर प्रॉब्लम हो जाती, परफेक्ट। yes. दाल का भी फ्लेवर आ रहा है और पालक का भी आ रहा है, देसी घी, सरसों का तेल, सारे मसाले, परफेक्ट। यस, बहुत टेस्टी लगी। चलो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। और कुकिंग पाजी को लगे तो सब्सक्राइब कर दो, सब लोग बनाओ, बड़ा मजा आएगा। दाल पालक ऐसे बनाओगे You will love it. And actually, you will love it.